हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स क्लास में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एक टैबलेट के बारे में जिसका नाम है वालपेरिन क्रोनो 300। ये वालपेरिन क्रोनो 300, इसको नाम क्यों दिया गया है और इसके क्या कंटेंट्स हैं, कैसे इसका काम होता है और कहां पर यूज़ किया जाता है और क्या प्रिकॉशंस लेना है, पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये तकरीबन 10 रुपये में एक मिलने वाली टैबलेट आपको यहाँ पर देख सकते हो। ये टैबलेट के एक्चुअली दो कंटेंट्स हैं, इसलिए इसको क्रोनो कहा गया है। एक सोडियम वैल्प्रोएट है और एक वैल्प्रोइक एसिड है। ये दोनों एक्चुअली सेम है, साल्ट अलग है बस, यानी सेम कंटेंट वाला साल्ट उसका अलग होता है, जिसकी वजह से उसका जो पावर होता है करने का मैक्सिमम हो जाता है, यानी बहुत इफेक्टिव रहती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो कि वैल्पारिन जो होती है सैनोफी ने बनाया है और इसके अंदर जो कंटेंट है वो वैल्प्रोइक एसिड या वैल्प्रोएट जो भी है वो एक्चुअली यूज़ किया जाता है एपिलेप्सी में, एंटी एपिलेप्टिक, यानी झटका जो आता है वहाँ पर, एंटी सीजर मेडिकेशन भी कहा जाता है, वहाँ पर भी यूज़ किया जाता है। उसको माइग्रेन हेडेक में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि सीवियर हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जहाँ पर हेडेक इतना होता है कि वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर भी इसको दिया जाता है। और थर्ड इम्पॉर्टेंट जहाँ पर यूज़ किया जाता है वो है शिज़ोफ्रेनिया, यानी साइकेट्रिक जो अटैक्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ नहीं होते हैं वो चीज़ दिखाई देते हैं, वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है एज अ साइकेट्रिक मेडिसिन, जिसे कहा जाता है एंटी साइकोटिक मेडिसिन। ये तीन यूजुअली इसके यूजर्स हैं, वहाँ पर इसको दिया जाता है कॉम्बिनेशंस। लेकिन याद रखिए, इसके साथ साथ और भी थोड़े यूज ये इंडिकेशंस हो सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके डॉक्टर ही बता पाएंगे। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टैबलेट्स एक्चुअली बच्चों में भी दिया जाता है और बड़ों में भी दिया जाता है। बच्चों में यूजुअली ये प्रिस्क्राइब किया जाता है क्योंकि 300 मिलीग्राम है, बड़ों में जो होती है वो 500 मिलीग्राम होती है। इसका डोसेज डॉक्टर बताएंगे आपको, कभी टैबलेट एक सुबह में एक शाम में एक होती है, या तो आधी सुबह में आधी शाम में हो सकती है, डिपेंड करता है कितना सीवियर है आपका एपिलेप्सी बच्चे में, और नेक्स्ट डिपेंड करता है कि वज़न कितना है बच्चे में। और इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट जो होता है वो होता है नींद बहुत आती है, डिजीनेस होता है, हेडेक होता है, और नींद ज़्यादा आने से क्या हो जाता है, कभी कभी रेस्पिरेटरी अरेस्ट, यानी सांस लेना बंद हो जाता है। इसीलिए नॉर्मल बच्चों से दूर रखिए, और एक्सेसिव कंजम्पशन यानी एक से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है तो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो सकता है सांस लेने में। याद रखिए, वैल्पारिन जो मिलती है आपको खाना खाने के बाद देनी होती है और इसको अच्छे से डिजॉल्व करके देना होता है, खाने से पहले ना लें तो बेहतर रहेगा। और इसके जो यूज़ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होता है पेट दर्द भी हो सकता है और वेट गेन भी हो सकता है, इसीलिए रेगुलर फॉलोअप करते रहें। और कभी कभी झटका जो होता है या एपिलेप्सी वो कंट्रोल में नहीं आती, इसके साथ साथ और भी थोड़े एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स ऐड किए जाते हैं। तो ये रही जानकारी, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को।